सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूँ आपके साथ अजीत। वैसे तो ये कथन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उस समय एक खास हो जाता है जब लोग वाहन को लेकर के सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लोग यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। मैं सब मौजूद हूँ बाहरी दिल्ली रिंग रोड पर, और यहाँ की अगर तस्वीर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वाहन चालक जो है यातायात नियमों को दरकिनार करते हुए तमाम ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते हैं, और गलत दिशा से जाते हुए ना केवल यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हैं बल्कि अपनी जान को भी आफत में डालते हैं और सड़क हादसों को भी दावत देने का काम करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये रोड जो है वो आगे मधुबन चौक से आता है जो पीरागढ़ी की ओर जोड़ने का काम करता है, लेकिन इस सड़क पर विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो लोग साफ तौर पर चाहे वो दो पहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन, यातायात नियमों को ठेंगा दिखाने का काम वाहन चालकों द्वारा बड़े ही तरीके से किया जाता है। उस पर दुर्रा यह है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात दिखाई देता नजर नहीं आता, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाने का काम करता है। शायद इसी का परिणाम है कि वाहन चालक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करते हैं और दिल्ली में सड़क हादसों को दावत देने का काम करते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर शासन और प्रशासन विशेष ध्यान रखे ताकि वाहन चालक किसी भी तरीके से सड़क हादसों को दावत देने से बचें और एक सुरक्षित यात्रा को तय कर सकें। ज्यादा देखना लाजमी होगा कि आखिरकार इस तरह की तस्वीर पर कब तक लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की तस्वीर पर रोकने के लिए तमाम नागरिकों को भी आगे बढ़कर आना होगा और उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी जाकर के दिल्ली में सड़क हादसों में भी कमी देखने को मिलेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।